हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, जब भी कोई आपके यूट्यूब चैनल को सर्च कर रहा है तो आपका चैनल वहां पे शो ही नहीं कर रहा है यूट्यूब पर, या आपका चैनल शो भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा नीचे कर रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पर रैंक नहीं कर रहा, और आपने सब कुछ करके भी देख लिया लेकिन फिर भी आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि इसका क्या कारण है कि आपका जो YouTube चैनल है वो YouTube सर्च में नहीं आ रहा है, और इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे जो आपका YouTube चैनल है वो तुरंत ही आपका सर्च में टॉप पर आएगा। जब भी कोई आपके YouTube चैनल को सर्च करेगा तो सबसे ऊपर आपका ही चैनल दिखाई देगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कैसे अपने चैनल को टॉप पर लाना है और आपके चैनल को रैंक कराना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको मोबाइल से नहीं सिखा रहा, तो आप ये मत सोचना कि मोबाइल में नहीं कर सकते, जो मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पे सिखाऊंगा वो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन बड़ी है इसलिए मैं आपको इस पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कारण बता देता हूँ कि आपका जो चैनल है वो सर्च में क्यों नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपका कॉमेडी का कोई चैनल है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कॉमेडी शॉर्ट्स का आपका कोई चैनल है, ठीक है, उसे आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो शो होगा ही नहीं, यहाँ पे तो सारी वीडियोज ही आती हैं। तो आपको सर्च करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फिल्टर के अंदर जाना होगा। फिल्टर पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप वाले सेक्शन में चैनल जो है इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप सर्च करेंगे तो कॉमेडी शॉर्ट्स के नाम से आपके जितने भी चैनल है सारे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस नाम से ऑलरेडी चैनल बने हुए हैं। अब मान लीजिए आपने कोई और चैनल बना रखा है, मान लीजिए कुकिंग से रिलेटेड है, कुकिंग शॉर्ट्स डाल देता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए आपने ये चैनल बना रखा है, ठीक है, और आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। हमें फिल्टर्स के अंदर जाना होगा, चैनल पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कुकिंग शॉर्ट्स के नाम से ऑलरेडी कितने सारे चैनल बने हुए हैं। यही कारण है कि आपका चैनल सर्च में दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस पे ऑलरेडी उस नाम से काफी सारे चैनल बने हुए होते हैं। आपका जो चैनल होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, तभी आपका चैनल सर्च में दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के नाम को छोटा रखें और कोई क्रिएटिव सा रखें, यूनिक सा रखें। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया छोटा मोबाइल शॉर्ट्स, ये मैंने मान लीजिए चैनल का नाम लिख दिया, ठीक है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिल्टर्स में जाके अगर मैं सर्च करता हूँ चैनल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नाम से कोई चैनल है ही नहीं। तो अगर आप ये चैनल का इस तरीके का नाम रखेंगे यूनिक, तो आपका जो चैनल जब भी कोई इस नाम से सर्च करेगा तो आपका जो चैनल है वो टॉप पे आएगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है, अपने चैनल का नाम शॉर्ट रखना है और क्रिएटिव यूनिक रखना है, जिससे आसानी से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च किया जा सके। उसके बाद आपको एक सेटिंग करनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको स्किप नहीं करना वीडियो को, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में अपने चैनल का जो आइकन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको अपने YT स्टूडियो के अंदर आना है, ठीक है, अपने चैनल के YT स्टूडियो में आपको आना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको YT स्टूडियो के अंदर आके सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको यहाँ पे सेकंड जो नंबर पे ऑप्शन है चैनल के अंदर जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री है आपका और नीचे कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे वो सेटिंग है, चैनल के कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालने होंगे जिस नाम से आपका चैनल है। जैसे मैंने आपको छोटा मोबाइल शॉर्ट्स का चैनल बताया था, सबसे पहले आपको छोटा मोबाइल शॉर्ट्स बिना स्पेस के लिख देना है, ठीक है, एंटर करते ही ये टैग बन जाएगा, या स्पेस देंगे तब भी टैग बन जाएगा। फिर आपको इसी को अलग अलग लिख देना है, छोटा मोबाइल शॉर्ट्स, फिर एंटर कर देना है। फिर आप इसको अलग अलग वर्ड में लिख सकते हैं, छोटा फिर अलग मोबाइल फिर शॉर्ट्स। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं आगे टैग, क्योंकि टैग से रिलेटेड वीडियो होंगी, मोबाइल की होंगी आपकी, ठीक है, रिव्यू की हो सकती है, शॉर्ट्स अगर आप बनाएं,
ठीक है। तो आपको अपनी जो चैनल का कीवर्ड है उसके कोडिंग बनाना है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दो सेटिंग करनी है और उसके बाद आपको सेव कर देना है ये, और आपका जो चैनल है वो सर्च में आने लग जाएगा अगर आप इस सेटिंग को कर। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि आपको कौन सी सेटिंग करनी है, क्या करना है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल जो है वो टॉप पर सर्च में रैंक करेगा। और अगर आपको फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।